देखिए, हम लोगों की विचारधारा आप लोग जानते हैं कि भीम आर्मी संगठन क्या चाहता है। भीम आर्मी संगठन केवल बहुजनों के और एसआईओ की और गरीबों की और जो जिन लोगों को आज तक ऊपर उठने नहीं दिया गया, जिन लोगों की आवाज़ को दबाने का काम किया, हम उस आवाज़ को दबने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। परंतु देखिए, मैं अभी फर्स्ट टाइम आपसे मिला हूँ क्योंकि मैं परिसंघ के बारे में नहीं जानता था, इसलिए मैंने कहा महोदय आप डिफेंड कर दीजिए। परंतु ये है कि जो व्यक्ति भीम आर्मी की विचारधारा को फॉलो करता है और जो भीम आर्मी की विचारधारा को जानता है और जो लोग जमीनी स्तर पर काम कर चुके हैं, बेसिकली हम लोग उनकी मर्यादा और उनका सम्मान कभी डिगने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। परंतु जो अभी चौधरी साहब ने कहा कि बीजेपी के कुछ मिनिस्टरों से बात है, क्योंकि हम लोग, ये लोग कभी हमारे न हैं और न हुए और न होंगे। यही कारण है क्योंकि भीम आर्मी इस देश के अंदर, यही सबसे बड़ा कारण है कि भीम आर्मी को क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोग समझौता नहीं करेंगे ये किसी भी हाल में। क्योंकि अगर समझौता होगा, क्योंकि वो लोग चाहेंगे कि आप लोग शांत हो जाइए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग काम करते रहेंगे और बिल्कुल भी जिस क्षेत्र में भी दलित लोगों को दबाने का काम किया जाएगा और दलित की आवाज़ को दबने नहीं दिया जाएगा, हम वहीं पर जाएंगे। और शासन किसी का हो, प्रशासनिक अधिकारी कोई भी हो, हम लोग संवैधानिक रूप से बात करेंगे। और यदि बात नहीं बनती है, फिर फंडामेंटल एक्ट के 1 से लेकर 14 तक, 14 से लेकर 27 तक, उसमें सभी व्यक्तियों को अपने अधिकार हैं और उन अधिकारों के तहत हम लोग शांतिप्रिय रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे और गरीब लोगों की मदद करेंगे और उनके अधिकारों को दिलाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भीम।